इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट सीरीज का पार्ट 3 है। अगर आपने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो हिंदी लैंग्वेज वाले सेक्शन को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, निर्देश है निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले आप वीडियो को चाहें तो पॉज करके इस अनुच्छेद को पूरा पढ़ सकते हैं, उसके बाद में जो मैं नीचे प्रश्न पूछूंगा उनके उत्तर आप दे सकते हैं। तो आप वीडियो पॉज कर लें और उसके बाद में इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद में हम प्रश्न नंबर 76 से शुरू कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 76 है, राजा राम मोहन राय की पढ़ाई की व्यवस्था किसने की? आपने ऊपर का अगर पैराग्राफ पढ़ लिया होगा तो आप ये उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो देखिए, 76वें का जो उत्तर सही होगा वो है, उनके पिता ने उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की थी, राजा राम मोहन राय की। अगला प्रश्न है 77वां, राजा राम मोहन राय ने बांग्ला कहाँ सीखी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गांव की पाठशाला में राजा राम मोहन राय ने बांग्ला सीखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं 78वां, उन्होंने अरबी की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? चार ऑप्शन में से आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा पटना से। अगला प्रश्न है 79, 12 वर्ष की उम्र में वे कहाँ गए? चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि काशी गए थे। 12 वर्ष की उम्र में राजा राम मोहन राय काशी चले गए थे। अगला प्रश्न है, उन्होंने कितने वर्ष तक संस्कृत का अध्ययन किया? चार ऑप्शन है, आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उन्होंने 4 वर्षों तक संस्कृत का अध्ययन किया। अगला प्रश्न देखते हैं, परमेश्वर का सही संधि विच्छेद होगा? चार ऑप्शन में से आपको बताना है। ग्रामर जर्न का प्रश्न है ये, आपको चारों ऑप्शन देखना है और उसके बाद में सही उत्तर चुनना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, परमेश्वर का सही संधि विच्छेद है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी, परम धन ईश्वर। अगला प्रश्न है, नेताजी भाषण देते हैं यह वाक्य किस काल में है? तो ऑप्शन देखते हैं, चार ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि ये जो वाक्य है नेताजी भाषण देते हैं यह किस काल में वाक्य है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा वर्तमान काल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बेंगलोर डैश खर्च चलना मुश्किल था? चार ऑप्शन में से यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान है वो हमें भरना है, बेंगलोर, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा मे, बेंगलोर में खर्च चलना मुश्किल था, ए ऑप्शन जो है इसमें वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो खर्च करता है उसी डैश देता है? चार ऑप्शन में से आपको सही उत्तर यहाँ पे भरना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, को, जो खर्च करता है उसी को देता है। अगला प्रश्न है, शेरनी शब्द का अन्य लिंग रूप है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेर, शेरनी शब्द का अन्य लिंग रूप शेर है। अगला प्रश्न है, घर शब्द का अन्य वचन रूप है? चार ऑप्शन में से आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, घरों। अगला प्रश्न देखते हैं, भलाई शब्द का विलोम शब्द है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भलाई का विलोम है बुराई, ऑप्शन बी जो है इसमें वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भैंस शब्द का अन्य लिंग रूप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भैंसा, भैंस का अन्य लिंग रूप है भैंसा। अगला प्रश्न है, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ होगा? चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पछताना। अगला प्रश्न है, पाठक शब्द का अन्य लिंग है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पाठिका।
अब जो आगे के प्रश्न है उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी कि पार्ट 4 में। तो आप अगर हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे